हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। बहुत सर्दी है, इसीलिए कीप योर सेल्फ वार्म और ईट हेल्दी हेल्दी। और आज मैंने सोचा है स्पेशली फॉर माई सिस्टर चिले, पालक के चिले बनाना। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है और ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। बड़ी सर्दी है, बाहर भी बारिश हो रही है, तो मैं सुबह से दीदी को पूछ रही थी कि क्या खाओगे। कितना मुश्किल होता है ना डिसाइड करना क्या खाना है। सच में बड़ा मुश्किल होता है। तो कहते, मैंने उनको कहा मैं आपके लिए ये ओट्स बना दूँ, तो उनने थोड़ा ढीला सा जवाब दिया। उनका ठीक है, मतलब आलू के परांठे, मूली के परांठे, कहते आलू के परांठे बना दे। तो मैं बाहर धनिया चुन रही थी तो मुझे पालक भी दिखाई दिया, तो मैंने कहा क्यों ना पालक के चिले बनाए जाएँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने चिले बनाए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं चिले पे वीडियो भी बनाऊंगी जल्दी। मैं बहुत लेजी हूँ वीडियो बनाने में, बड़ा सोचती हूँ कब बनाऊँ तो रह जाती हूँ। तो आज मैंने हिम्मत करके वीडियो भी बना रही हूँ और दीदी के लिए चिले भी बना रही हूँ पालक के। लेट्स गेट स्टार्ट विद। देखो, सर्दी बहुत है, हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए और पालक के चिले बहुत हेल्दी होते हैं। पालक बहुत हेल्दी होता है, ऑब्वियसली चिले भी हेल्दी होते हैं। तो इसमें मैं यूज़ करूँगी प्याज और छूर के प्याज डालूँगी एंड पालक और अदरक भी डालूँगी और जो भी आपके मसाले अगर आप खाना चाहो तो स्टार्ट करें। मैंने एक बाउल में आटा ले लिया है, अब मैं इसको पानी के साथ मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अदरक डाल रही हूँ, पालक मैश कर दिया है। सो गाइस, मैंने तैयार कर दिया है पालक एंड मैश कर दिया है प्याज और अदरक और सर। सो अब मैं धनिया को कट करूंगी। ड्रॉन हो चुका है, नाउ हम स्टार्ट करेंगे बनाना अपने चिले। उससे पहले थोड़ा फ्रूट खा लेती हूँ। जीरा पाउडर भी डालूंगी धनिया पाउडर ठीक है, धनिया पाउडर भी डालना है और नमक भी डाल चुकी हूँ। और हम डालेंगे इसमें क्या मिक्स करेंगे, यस थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह या कुछ भी आपका घर में पिसा हुआ मसाला होगा जो मदर्स ने। तो आई डोंट हैव ग्रीन चिलीज, तो मैं रेड चिलीज डाल रही हूँ, पाउडर नहीं डाल रही हूँ। मैं पाउडर चिली पसंद नहीं करती इतनी ज़्यादा, हो गई कम कर देते हैं। यस, थोड़ा सा घी मैंने लगा दिया है पहले इस पर। गैस मैंने चिल्ला इसमें डाल दिया है, बस इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे ऐसे हो सके, जितना पतला हो सके उतना पतला करें इसे। इट इज़ लाइक नॉर्थ इंडियन डोसा। ट्रिक है चिलों को पतला करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, यू कैन यूज कटोरी। माय सिस्टर इज वेटिंग, शी विल किल मी अगर मैं इतने धीरे धीरे करने लग गई। तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है ये देखो। इसी के साथ मुझे चाय भी बनानी होगी। चाय बहुत अच्छी होती है। क्या हो गया आपको? आपको भी दूंगी, आपको भी चिले दूंगी। आई नो यू लाइक चिले। माय गॉड, चिल्ला इज रेडी। तो चिल्ला रेडी हो चुका है।
सिस्टर को देने जा रही हूँ एंड आई विल शो यू वो महारानियों की तरह कैसे सोए बैठे होंगे बट वो हमेशा से महारानी ए उठो ये कैसी किसकी कथा चल रही है ये लो घी चाहिए और बताओ पहले कैसा है पिचू आपके लिए भी बन रही है आपको दिया था ना थोड़ी पहले फिर से दूंगी पहले दीदी कम मेरे से हमेशा नमक कम हो जाता है पर मैं नमक कम ही खाती हूँ वो देखो मुझे पफी आइस भी रहती है तो पफी आइस के लिए नमक कम खाना होता है आपके लिए डालूँ वो नमक उनके लिए भी ठीक है हमारे घर में सब नमक कम खाते हैं पीछ पीछ पीछे और कितने खाने हैं चार तो खा लिए हंस कर तीसरा है आपका अब नहीं मिलेगा और ये बेचारी कब से वेट कर रही है ठंडा करके दो ये दोनों साथ में खा रहे हैं मेरी उस पतली सी बहन ने चार चिल्ले खा लिए अभी तक पेट नहीं भर रहा है पीच का नंबर कब आएगा पीच वेट करो ना पहले उनका नंबर फिर आपका और फिर मेरा सैक्रिफाइस फॉर फैमिली बनाते बनाते तो पेट ही भर जाता है चलो कोई बात नहीं खा लेंगे एक आधा हम भी लाइट नहीं आ रही यार एक तो बाहर बारिश हो रही है ऊपर से लाइट भी नहीं है सर्दी है मेरी बहन सोच रही होगी पागल हो गई पता नहीं कब से किससे बातें की जा रही है हम यूट्यूबर का यही स्वैग होता है पीछी ओ कहाँ लेके चला इधर खाओ अपनी ये प्लेट में खाओ चाहिए इसको कसम से तीन चिल्ले दे दिए हूँ इसको मैंने साथ में इसकी डाइट भी दी है दूध भी दिया है पीच दिस इज माय प्लेस उठो यहाँ से उठो वहां जाओ अपने 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 बिस्तर पे जाओ चलो उठो ये देखो खा लिया अब जब के अपने बिस्तर पे सो जाओ मुझे तेरी मेरी ना लड़ाई हो जानी है उठो मेरे बिस्तर पे आ गई भी वो दिखना गुस्सा कर रही है क्या कर रही है उठ बहुत जिद्दी है उठने का नाम नहीं ले रही है पीछ मेरी जगह से उठ जाना उधर बैठ अपने बेड पे बैठ तेरे बाल ही बाल हो गए हर जगह नहीं उठना है चिपके रहना है हर टाइम चिपके रहना है हेलो बोल दो सबको चलो मेरी शादी रहो फिर साथ में रहो पीच तो हमारी घर की क्वीन है क्या है क्वीन है ये हमारा बच्चा है हमारा बच्चा यू नो डॉग्स बहुत पॉजिटिविटी आपको देते हैं और डॉग्स आपका मन बहलाए रखते हैं और आपको बहुत सारा प्यार करते हैं देखो जहाँ पे लोग होते हैं ये वहीं आगे बैठ जाती है अपने बिस्तर पे कभी नहीं बैठेगी चिपक के बैठ जाएगी प्यार शो करती है ना ये बहुत सारा प्यार शो करती है अभी मैंने उठने के लिए बोला तो मुझे खाने को आ रही है कि नहीं उठूंगी ये देखना देखना अब अगर ये वीडियो मम्मी ने देख लिया तो तेरी तो शाम तो आई आई मैं भी नहीं बचती बहुत मार पड़ेगी मम्मी से वो बोलते इनको अलग से रखो तो पीछ तो हमसे अलग रहती ही नहीं है।